हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। और सबसे पंचायत समिति से प्रधान प्रतिनिधि हूँ, धर्मपाल सियाग मेरा नाम है। हकीकत में मैं भी पंचायती राज संस्थाओं से बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और ये जो प्रताड़ना है ये वास्तव में बहुत बड़ी सरकार की पॉलिसी है। जिला परिषद सदस्य के जिला प्रमुख के वोट और पंचायत समिति सदस्य से प्रधान और प्रधान के वोट लेने के पश्चात ईमानदारी की बात है, किसी प्रकार का कोई अधिकार सरकार नहीं दे रही है, जो कि स्वतः व्यवहार है। आने वाले समय में चिंता की बात यह है, जब पंचायती राज संस्थाएँ मजबूत पूरे राजस्थान प्रदेश में, इंडिया के अंदर राजस्थान प्रदेश से हुई थी, तो मुझे तो ये लगता है कि पंचायत समिति मेंबर का चुनाव कौन लड़ेगा? पार्टी के आशीर्वाद से या जो पंचायत समिति के सदस्यगण होते हैं उनमें से हमारे जैसे कुछ साथी अगर प्रधान बन भी जाते हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो इनका मान और सम्मान के लिए निश्चित रूप से अगर पंचायत समिति और जिला परिषद भी ठप करनी पड़ी तो मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार से रावसर पंचायत समिति की मीटिंग का बहिष्कार जो किया है, ये पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का विकास कार्य पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा नहीं होने दिया जाए और इनको बुलंद आवाज़ के साथ ही रोकना चाहिए, ताकि इस सरकार को मजबूर होकर के और पंचायत समिति प्रतिनिधिमंडल को वहाँ बुला करके, जिला परिषद के प्रतिनिधिमंडल को बुला करके उनकी समस्या को जानकर सम्मानजनक तरीके से उनको मान सम्मान दिया जाए। अरे कम से कम एक नरेगा की मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना, ये एक लोकसेवक भी है भाई। आज 8-10 हज़ार रुपये मंथली अगर इनको मानदेय मिले तो जरूरत है आज। तो आप नरेगा से बदतर स्थिति में हैं? बिल्कुल ईमानदारी की बात है, ये हालात है भाई। जब 400 रुपये 3 महीने में एक मीटिंग होती है और 420 रुपये मिलते हैं, 420 तो वैसे ये धारा ही गलत है, 420 रुपये नाम ही गलत है। तेल में लग जाए तो क्या जितने प्रधान है राजस्थान थे उनसे संपर्क कर आप उनको भी साथ? बिल्कुल, मैं राजस्थान के प्रधान संघ के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष है प्रधानों के, उनसे भी मैंने ये बात की थी। हमने भी कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोडाल साहब से हमने बात की थी। हमारे भादरा के जो एक बलवान पुनिया विधायक जी हैं उनसे, हमारे प्रधान संघ से मुलाकात की थी, बात भी की थी। भैया कुछ लोग हमारे साथी प्रधान बन गए, बाकी हमारे अनेक साथी किसी पंचायत समिति में 20 है, किसी में 40 है, किसी में 25 है, 30 है, उन साथियों की समस्याएं हैं उन पर भी सरकार विचार करे। सरकारें धरना प्रदर्शन आंदोलन से जागती है, क्या आगे रणनीति रहेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ भी करना पड़े हम, मैं तो ये चाहूँगा कि प्रधान संघ भी निश्चित रूप से पूरे राजस्थान प्रदेश का प्रधान संघ हमारे इन साथियों के साथ रहेगा, क्योंकि इन्हीं में से चुने हुए तो प्रधान बने हैं। तो प्रधान संघ भी ईमानदारी की बात, पूरा प्रधान संघ इनको तहेदिली से साथ देगा। और ये मीटिंग हमने पिछली बार जो मीटिंग हुई थी हमारे प्रदेश के अंदर, ये बिल्कुल फाइनल कर दिया था और सर्वसम्मति से पारित किया था कि हमारे पंचायत समिति सदस्यगण के साथियों का भी प्रधान संघ है जो हर हालत में पूरा भरपूर साथ दे, और सरकार को सिस्टम को पंचायती राज को ठप भी करना पड़े तो पंचायत संघ का प्रधान संघ जो है वो भी किसी हालत पीछे नहीं हटेगा। आपकी मांग पूरी नहीं होती, क्या विधायकों को पेंशन दी जा रही है उसको बंद कराने का ऐलान करेंगे आप? कोई आंदोलन? विधायकों की जो पेंशन है वो सरकार दे रही है, कोई पंचायती राज संस्था या प्रधान और जिला प्रमुख नहीं दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पर बात वो नहीं है भाई, बात वो नहीं है, हम तो हमारी मांगों को लेकर। जहाँ तक विधायक के मानदेय की और उसकी पेंशन की बात आती है तो हम उसके अंदर बताना चाहते हैं कि राजस्थान के नहीं पूरे भारत के अंदर यहाँ पर सांसद को अपना मानदेय दिया जाता है, उसका एक पेंशन किया जाता है। यहाँ पर विधायक को एक मानदेय दिया जाता है, उसको एक पेंशन दिया जाता है। केवल जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य ही इस बीच में एक वो कड़ी है जो कि नेशनल पार्टी के सिंबल पर जाकर चुनाव लड़ने वाला पहला प्रतिनिधि है, जनता के बीच में जाने वाला पहला व्यक्ति है, तो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य है। हम निश्चित रूप से यही मांग कर रहे हैं कि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के मान और सम्मान में प्रतिष्ठा को देखते हुए उसका भी एक निश्चित मानदेय तय किया जाए, क्योंकि इस पंचायती राज व्यवस्था की जनक राजस्थान को कहा जाता है। अगर अगल बगल के किसी भी राज्यों में जाते हैं तो सभी जगह पंचायत समिति सदस्य को मानदेय दिया जाता है। राजस्थान में भी इस चीज की अति महत्व आवश्यकता है कि राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों को एक निश्चित उनके पद के अनुरूप उनका मानदेय तय किया जाए। देखिए वर्तमान में यदि हम व्यवस्था देखते हैं तो राजस्थान पंचायती राज का जनक बताया जाता है, और राजस्थान के अंदर ही पंचायत समिति सदस्यों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके उन सभी मांगों को लेकर के एक आंदोलन खड़ा किया गया, जिसके अंदर हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर जाकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर पंचायत समिति सदस्यों की 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हमने आज सौंपा है। नहीं सर, ये 4 साल हो गए आपको बड़े, कितने साल? दो साल में अचानक कैसे याद आई कि हमारे को अधिकार चाहिए? जी नहीं, ये अचानक उठी हुई आग नहीं है। जो पंचायत समिति सदस्य जब चुनाव जीत के आता है तो सबसे पहले उसको एक अलग प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब उसको मालूम चलता है कि प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख के चुनाव के बाद में पंचायत समिति सदस्य की शक्ति गौण के बराबर है, तब जाकर के धीरे धीरे उसके अंदर एक प्रताड़ित भावना निकलती है, और उस भावना के तहत ये आंदोलन अंदर ही अंदर हम लोग काफी लंबे समय से चला रहे थे। लगभग 1.5 साल से हम इस आंदोलन के जनक हुआ है, तब जाकर के आज उग्र रूप
इस आंदोलन ने लिया है। आज संपूर्ण राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य इस आंदोलन में एकजुट होकर के और अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं यूज और थ्रो की राजनीति आप पर हो रही है, वोट ले लिया, प्रधान बना लिया, उसके बाद निश्चित तौर पर पंचायत समिति सदस्य के साथ में इसी प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है। पंचायत समिति सदस्य के स्वाभिमान के साथ समझौता किया जा रहा है। पंचायत समिति सदस्य को किसी भी प्रकार के मान सम्मान व अधिकार नहीं दिए जाते हैं। अड़ोस और पड़ोस के राज्यों में भी अगर हम देखेंगे तो पंचायत समिति सदस्यों के क्षेत्राधिकार हैं, उनके कार्यशैली है, उनके पास में अपने कार्य करने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में पंचायत समिति सदस्य के पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर के, इन 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग पूरे राजस्थान में आंदोलनरत हैं। आने वाले समय में राजस्थान की राजधानी जयपुर की धरती पर भी हम सभी पंचायत समिति सदस्य एक साथ कूच करेंगे और अपने आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करेंगे। आपके पास एक हथियार और भी है प्रस्ताव पास, उस पर आप क्यों नहीं उतरे? अभी हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर हम सभी लोगों ने साधारण सभा का बहिष्कार कर रखा है और ये एक लोकतंत्र की लड़ाई है। इसे लोकतांत्रिक प्रणाली से हम लोग लड़ेंगे क्योंकि हम सभी लोग निर्वाचित हुए प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो एक एक व्यक्ति 6-7 हज़ार लोगों के ऊपर निर्वाचित होकर के आए हुआ प्रतिनिधि। हम अपनी मर्यादा को जानते हैं और अपनी मर्यादा में रहते हुए आने वाले समय में हमारे आंदोलन को खड़ा करेंगे। आज भी हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी में और रावतसर में दोनों जगह पंचायत समिति की साधारण सभा जो कोरम किया था उसका बहिष्कार किया गया है। राजेंद्र सिंह सुरपुरा, प्रदेश अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, राजस्थान।